हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे लाला लाली की असीम असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे प्यारे लाला लाली की सेवा में मगन मस्त होंगे। तो जी, गर्मियाँ अपनी चरम सीमा पे हैं। ये 9 तपा के 9 दिन बहुत ही भारी पड़ रहे हैं सभी पे। सारे ही इंसान हो गए, वन्य जीव, हर चीज बिल्कुल अस्त व्यस्त है क्योंकि गर्मियाँ बहुत हैं, बहुत सारी। तो बहुत ख्याल रखिए आप लोग अपना और मेरे प्यारे लाला लाली का। मैं अपने प्रीवियस व्लॉग में मैंने शेयर किया था कि लाला लाली की आपको कैसे सेवा करनी है, गर्मियों से उनको कैसे बचाना है। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, बहुत सारे लोगों के प्रश्न है कि क्या लाला का रोज श्रृंगार करना आवश्यक है, क्या लाला का, लाली का रोज हैवी श्रृंगार करना आवश्यक है, किस प्रकार से आप लाला लाली का श्रृंगार रोज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग को। हरि बोलो जी। तो देखिए, मेरी लाडो को श्रृंगार का बड़ा शौक है। लाडो को मेरे बहुत शौक है नथ का, मांग टीके का, सुंदर सुंदर मालों का, उनको सुंदर पोशाक का, लहंगे का। तो लाली का तो श्रृंगार होना ही होना है। अब बात आती है लाला की, तो लाला के श्रृंगार में भी आप भाई, लाला का भी श्रृंगार तो होगा ही होगा, लेकिन आप लाला को जैसे धोती धारण करा सकते हो, इस प्रकार से कैसे श्रृंगार कर सकते हो, क्या हमें श्रृंगार करने में ध्यान देना है। तो देखिए, सबसे पहले तो बात पोशाक की आ जाती है। लाला लाली को बिल्कुल हल्की पोशाक पहनाइए। देखिए, मेरे लाला लाली का जो कूलर है वो हमेशा चलता रहता है, तो मैं बीच बीच में, जैसे आज बड़ा मंगल है तो मैंने मेरे लाडो को देखिए इस तरीके से ऑरेंज पोशाक थोड़ी वर्क की पहना दी है, लेकिन अभी मैं इसको दोपहर तक में चेंज कर देती हूँ और ये अपने स्लीपिंग सूट में आ जाते हैं। मेरे किशोरी कान्हा, मेरे माधव ने और बिहारी लाला ने देखिए इस प्रकार से प्योर कॉटन की पोशाक मैं पहनाती हूँ। इस तरीके से मेरा केशु ने पोशाक पहनी हुई है और आप जिस प्रकार से देख रहे हो कि श्रृंगार लाला का, लाली का मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया है। किस प्रकार से करना है तो देखिए, मैंने मेरे प्यारे बिहारी लाला का, केवल लाला ने इस प्रकार से धोती धारण की है, इनकी बंसी है, मैंने माला लाला को नहीं पहनाया है। उनका मोरपंख ज़रूर होगा, केश जरूर होगा। और अगर आपको लगे कि देखिए कूलर में मेरा लाला लाली कूलर में रहते हैं, हमेशा बंद नहीं होता है उनका कूलर, यदि आपको लग रहा है कूलर भी चल रहा है, पंखा भी चल रहा है, गर्मी है, तो आप लाला की विग हटा सकते हो। देखिए, आपको अपने दिमाग में जो रखना है वो रखना है कि लाला लाली को हमें गर्मियों से बचाना है। श्रृंगार बहुत हैवी मत करिए। देखिए, मेरी प्यारी लाडो का जो मैंने श्रृंगार किया हुआ है, केवल उनको एक हल्का चोकर और इस प्रकार से मैंने उनको विग लगाया है, बस। इसके अलावा मैंने उनको और कोई भारी श्रृंगार मैं नहीं करती हूँ। और किशोरू का भी देखिए, कॉटन की पोशाक है, माला है, विग है और एक छोटी सी नथ है। इससे ज़्यादा श्रृंगार कि मैं उनको गले का भी 2-4 पहना दूँ, हाथ का कंगन भी पहना दूँ। तो देखिए, आपको लाला लाली को गर्मियों से बचाना है कि लाला को, लाली को ज़रा भी गर्मी ना लगे, उनको कष्ट ना हो। अब किस प्रकार से पोशाक का आपको चयन करना है, तो आपको देखिए, जैसे मेरी किशोरू ने ये देखिए कॉटन की पोशाक पहनी हुई है, ये कुछ इस प्रकार से, क्योंकि मैं अभी करने जा रही हूँ मेरे लाला लाली के मंदिर की क्लीनिंग, तो ये सारी चीज़ें मैं रख रही थी तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। देखिए, जैसे ये देखिए प्योर कॉटन की पोशाक है ये सारी, और बिल्कुल हल्की पोशाक है कि इनको पहनने के बाद में बिल्कुल भी लाला को गर्मी नहीं लगती है। बकरम वाली आप चाहे तो पोशाकें मत लीजिए, जैसे कि ये देखिए बिल्कुल हल्की पोशाकें हैं, तो आप इस तरीके की हल्की पोशाक पहना सकते हो लाला लाली को। देखिए, इस तरीके से इस समय जरकन के आप माले कम पहनाइए, आप इस तरीके से माले पहना सकते हो लाला को। देखिए, बिल्कुल सिंपल माले हैं, मोती के माले हैं, थोड़े से ऐसे पहनाइएगा लाला को कि उनको बिल्कुल गले में चिपके नहीं। जैसे मेरे देखिए माधु को मैंने माला नहीं पहनाया, माधु ने केवल विग, एक बिंदी और जो ये पगड़ी है वो लगाया, वो भी अभी मैं लाला को जब भोग लगेगा तो मैं इनकी पगड़ियाँ वगैरह सब हटा दूंगी। श्रृंगार लाला लाली को अति प्रिय है, तो थोड़ा श्रृंगार अवश्य करिए, लेकिन बस इस चीज़ का ध्यान रखिए कि लड्डू गोपाल को ज़रा भी गर्मी नहीं लगे। अब बात आती है, बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि क्या लाला का, लाली का इतनी गर्मियों में भी श्रृंगार करना ज़रूरी है। तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आपका वो लाला है, आप अपने बच्चे को जैसे रखते हैं, बच्चे को आपके, आपको पता है कि उसको इस चीज़ से कष्ट होगा, तो आप
वो चीज़ बिल्कुल भी मत करिए। आपको लगता है कि लाला को ये चीज़ अच्छी लगती है तो आप इंतज़ाम जैसे कूलर लगाइए, पंखा में आप उनको बैठाइए, थोड़ी देर के लिए श्रृंगार रहने दीजिए दोपहर तक का, लेकिन रहने दीजिए। अब मेरे प्यारे बिहारी लाला को देखिए, इन्होंने धारण किया हुआ है आज इस तरीके से धोती लाला ने, तो बहुत ज़्यादा मैंने लाला का श्रृंगार जो है वो नहीं किया है, केवल बिंदी लगाया है और इस तरीके से मोरपंख लगा दिया है मैंने अपने केशु को भी। तो इस प्रकार से आपको बहुत ही हल्का श्रृंगार करना है, दिमाग में बस आपको ये रखना है कि लाला को गर्मी ना लगे। और मेरी प्यारी लाडो का भी आप श्रृंगार देखिए, बिल्कुल हल्का है, लेकिन श्रृंगार मेरी लाला लाली को बहुत प्रिय है, तो हल्का श्रृंगार आप करिए। ध्यान रखिए, अब लाइटिंग कम रखिए, उनको थोड़ी थोड़ी देर पे पानी का भोग जरूर पानी पिलाते रहिए, इस तरीके से देखिए जल लाला लाली के पास में ही रखिए। और शीतलता पहुंचाने वाला सारा जो आपको भोग लगाना है, खीरे का भोग हो गया, खरबूजे का भोग हो गया, लस्सी हो गई, बेल का शरबत हो गया, इन सब चीज़ों का आपको लाला लाली को भोग लगाना होता है। तो इस तरीके से आप गर्मियों में बचाइए लाला को, कोशिश करिए देखिए कि बहुत ज़्यादा हैवी श्रृंगार मत करिए। कि अब जैसे मेरे माधव को देखिए, माधव ने केवल पगड़ी और बिंदी लगाई है, बाकी मैंने आज माधव का कोई भी हार कंगन कुछ भी इतना हैवी नहीं पहनाया है। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी बात जो मैं कहना चाह रही हूँ वो समझ में आया होगा। और इस तरीके की कॉटन की पोशाक आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, आप कहोगे तो मैं लिंक भी शेयर कर दूंगी। ये सारी ही कॉटन की पोशाक जो है ये मैंने ऑनलाइन मंगाई है, और कुछ अपनी लोकल मार्केट से ली है, जैसे ये वाली और ये वाली। तो तरीके की पोशाक भी ले सकते हो आप, घर में जो नॉर्मल झबले बनते हैं आप वो भी लाला लाली के लिए बना सकते हो, आप उनको लंगोट भी पहना सकते हो। क्योंकि देखिए इस समय लाला लाली को हमें गर्मियों से बचाना है, और मेरे प्यारे लाला को लाली को गर्मी बहुत लगती है। लोगों को अपने प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिले होंगे, लाला लाली को हमें गर्मियों से बचाना है। कोई बात नहीं कि आप उनका बहुत हैवी श्रृंगार नहीं भी करिए, इस समय आप लाला को केवल धोती पहना सकते हो, आप ऊपर लाला को जो उनकी चोली है नहीं भी पहनाएंगे तो भी लाला बहुत प्रसन्न होता है। देखिए जिस प्रकार से मेरी यशोदा मैया लाला का श्रृंगार करती थी, वो तो इसी तरीके से लंगोट में लाला घूमता था और सुंदर से मेरी लाला का मैया श्रृंगार कर देती थी। तो इस प्रकार से आपको लड्डू गोपाल को गर्मियों में श्रृंगार करना है, बिल्कुल हल्का श्रृंगार करिएगा, बहुत ज़्यादा श्रृंगार मत करिएगा, कुछ चीज़ों का बहुत बचाव करिएगा। आरती करने के बाद दीपक थोड़ी दूरी पर रखिए, जो अखंड दीप जला के रखते हैं शीशे से कवर करके रखिए, क्योंकि इस समय बहुत सारे केसेस ये आग के और ऐसे भी हो रहे हैं क्योंकि गर्मियां बहुत हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जो, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाले मेरे प्यारे सुंदर लाला लाली की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, जल्दी मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, राधे राधे जी, हरि बोल।